है दोस्तों, मैंने एक छोटी सी क्यारी में ये 10 प्लांट लगाए थे टमाटर के, तो आज मैं उनकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। देखिए ये कितने फ्रेश, और ये देखिए, और ये कुछ छोटे ग्रीन लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ भी बंच में लगे हुए हैं। ये मैंने कुछ तोड़े हैं, ये देखो, तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने इनको 10 प्लांट लेके आई थी जिनको लगाया मैंने। और ये देखिए, इसके ऊपर ये खूब सारे फूल आए हुए हैं। इनको लगाने के लिए एक खड़ा करने के लिए स्टिक्स ज़रूर लगानी पड़ती हैं। ये देखिए ये कितनी फ्लावरिंग है इसमें, और ये इधर भी बंच में लगे हुए हैं, और ये फ्लावरिंग है। इनको मैं डालती हूँ गोबर खाद और हफ्ते बाद गुड़ाई। और अगर इनको लगाना भी आसान है, आप एक कोई भी बड़ा पका हुआ टमाटर इस तरह से ज़मीन में दबा देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद उन बीजों में से ये देखिए इतने सारे प्लांट्स निकल आए हैं। अब ये थोड़े बड़े होंगे तो मैं इनको अलग करके एक और क्यारी में लगवा दूँगी। ये देखिए पीछे भी बंच में लगे हुए हैं, ये देखिए। थोड़ी मैं नीम खली में डाल देती हूँ इसमें, ताकि कोई कीड़े वगैरह ना लगे। ये देखिए, चलो थोड़े से कुछ और तोड़ते हैं। और ये मैंने बीच में ही, ये जो प्याज घर में पड़े उग जाते हैं, मैं उनको भी ये देखो बीच में ही लगाया हुआ। ये इनकी अलग से सब्जी भी बन जाती है, और आप अगर चाइव्स एज चाइव्स यूज़ करना चाहते हैं तो ये खाने में बहुत ही स्वाद होते हैं। ये देखो, इनको चाहिए खाद और खूब सारी सनलाइट। ये देखो, ये इस साइड में भी पूरे बंच में लगे हुए हैं ये कुछ, और डेली इनको गर्मियों में तो वाटरिंग की ज़रूरत है। ये देखो, आप भी इस तरह से छोटे प्लांट्स ला के या पुराना पका हुआ कोई टमाटर अपने गमले में गाड़ के आप इस तरह से टमाटर लगा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ये। तो आपको कैसी लगी मेरी शेयरिंग? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।